अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक 10 मरला हाउस और बरगेट ऑन लाहौर। इसकी लोकेशन है LDA अप्रूव ब्लॉक में, घर लोकेटेड है। इसके अलावा कमर्शियल मार्केट इसके बिल्कुल करीब है, पार्क की लोकेशन और बरगेट की जो मेन इंट्रेस है, मेन रोड से, किनार रोड से जब आप इंटर होते हैं मेन गेट के नियर टू ये घर लोकेटेड है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं फुली टाइल कवर्ड है और ये लाइट ग्रे थीम में से डिज़ाइन किया गया है। ये आपकी विंडो आ जाती है बेडरूम की फर्स्ट फ्लोर पे, इसके साथ ये टेरेस डिज़ाइन किया गया तो, और ये इसकी फ्रंट मेन वॉल है और फ्रंट वॉल पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कटिंग में टाइल यूज़ की गई है। इसके साथ आउटर लॉन है और इसके साथ ये आपका आ जाता है रैंप और गैराज एरिया। और ये इसका मेन गेट आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में से पेंट किया गया, बहुत ही खूबसूरत सिंपल और डिसेंट इसका डिज़ाइन है मेन गेट का, सॉलिड आयरन में से तैयार किया गया। और गैराज में आप देख सकते हैं आपकी दो बड़ी गाड़ियां यहां इजीली पार्क होंगी बिल्कुल सामने। अगेन यहां पे टाइल वर्क है फ्रंट वॉल पे और ये कंप्लीट जो है इसका फ्रंट फेस जो है फुली टाइल कवर्ड है। और इंट्रेस के साथ लेफ्ट साइड पे आपकी 5 फीट गली है, इसके साथ बैक पे इसी तरह ये 5 फीट गली दी गई है। और इंट्रेस के साथ राइट साइड पर आप देख सकते हैं इंटरनल लॉन इसका डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये ऑर्गेनिक ग्रास यहाँ इंस्टॉल है और प्लांटेशन की गई है। इसके साथ ये विंडो का व्यू है, ये ड्राइंग रूम की विंडो है ग्राउंड फ्लोर पे, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो और ये इसका टेरेस और ये गैराज का व्यू। इस तरह इसकी फ्रंट साइड कंप्लीट की गई है। तो ये इसके फ्रंट साइड का व्यू था जो हमने आपसे शेयर किया। फ्रंट साइड पे इसका ड्राइंग रूम आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर बेडरूम है, इसके बाद टेरेस है और गैराज है। तो अभी हम घर ये अंदर से विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक शॉर्ट टाइम में हम इसका जो है टूर कम्प्लीट कर सकें। बिल्कुल सामने ये मेन डोर है और ये इसका राइट साइड पर ड्राइंग रूम का डोर है। ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर हुए हैं बिल्कुल सामने। ये इसके फ्रंट वॉल है, यहाँ पे टेक्सचर पेंट है, मोल्डिंग वर्क है, सीलिंग डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं। और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत ये व्यू आ रहा है इसके इंटरनल लॉन का। इस तरह ये इसके ड्राइंग रूम की सेटिंग की गई है। इसके साथ ये इसका लिविंग एरिया है और ये आप देख सकते हैं लिविंग एरिया की जो अकोमोडेशन है वो बहुत ही वाइडर है 10 मरला घर की नस्बत। इसके साथ बिल्कुल सामने अगेन यहाँ पे मोल्डिंग वर्क है, इस वॉल पे टेक्सचर पेंट है, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसमें मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है और 5 प्लेस दी गई यहाँ पे। और ये इसमें यहाँ पे आपकी आ जाती है ये किचन स्पेस, ये आपका किचन एरिया है और 2 बेडरूम दिए गए हैं ये बैक साइड पे। तो इस तरह इसका ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया गया है। पहले हम इसका किचन एरिया विजिट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका जो कलर थीम है ये काउंटर टॉप यहाँ पे ग्रेनाइट में डिज़ाइन किया गया, सिंक की इंस्टॉल है, ये वाइडर विंडो है जो इसकी साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी, बर्नर हुड इंस्टॉल है, अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट आप व्यू कर सकते हैं और सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो ये इसमें किचन स्पेस है और इसे फ्रंट से कवर्ड किया गया है। यहाँ पे अमूमन इसको ओपन भी रखा जाता है किचन को, मगर इन्होंने कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किचन कवर्ड चाहिए, कुछ की ये ओपन चाहिए, तो ये इन्होंने कवर्ड किया हुआ है। ये 2 बेडरूम है तो पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। और सबसे पहले आप इसकी अकोमोडेशन देख सकते हैं, वाइडर अकोमोडेशन है, इसका जो साइज़ है रूम का बहुत ही आउट क्लास है। इसके अलावा टेक्सचर पेंट है वॉल पे, यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ नहीं किया गया, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हम आ गए इसके वॉशरूम में, बिल्कुल सामने वैनिटी है, मिरर है और वार्डरोब को ये वॉशरूम के अंदर ही डिज़ाइन किया गया। ये स्लाइड इसके डोर डिज़ाइन किए गए और यहाँ पर ये आपकी विंडो आ जाती है, ये शावर स्पेस है और ये आपका कमोड एरिया है। तो इस तरह इसका वॉशरूम इसे मुकम्मल किया गया। तो ये इसमें फर्स्ट बेडरूम था, ये हम वापस आएंगे लिविंग एरिया में। इसके साथ बिल्कुल ये सेकंड बेडरूम इसका डिज़ाइन किया गया, ये हम विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें बेड शेड वॉल है और सीलिंग डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत इसे जो है मर्ज किया गया, रूफ लाइट्स दी गई यहाँ पर, ग्लोब या इंस्टॉल है, अगेन फुली रूम में टेक्स्चर पेंट है। और यहाँ पर इस रूम में ये वार्डरोब रूम के अंदर डिज़ाइन की गई है, जो हमने पहले विजिट किया है उसमें ये वॉशरूम के अंदर थी इस तरह। तो ये इसमें वॉशरूम एरिया आपका आ जाता है, बिल्कुल सामने ये वैनिटी है, मिरर पूरी टाइल वर्क है, यहाँ पे भी शावर सेट, ये कमोड एरिया आपका। तो ये इसमें ग्राउंड फ्लोर की डिटेल थी फुली जो हमने आपसे शेयर की। 2 बेडरूम है ये बैक साइड पर, ये इसका लिविंग एरिया बिल्कुल सामने, फ्रंट पर ड्राइंग रूम है और ये किचन स्पेस है। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम 5 मिनट में हम उसे जो है आपको एक व्यू उसका देख सकें। तो ये इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो सेपरेट किया गया है, आप इसे प्रॉपर रेंट आउट कर सकते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट यूज़ कर सकते हैं।
ये डोर इसका ओपन हो रहा है साइड 5 फीट गली की तरफ, और इसके साथ ये स्टेयर स्टेप पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट है, और ये स्टील में इसकी रेलिंग डिजाइन की गई है। ये हम आ गए हम ऊपर इसके लॉबी एरिया में। तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट साइड है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे आपका फ्रंट साइड पे टेरेस है, और यहाँ पे आपका बेडरूम है फ्रंट साइड पे। ये आपकी फ्रंट साइड कवर्ड है, और ये इसका लिविंग एरिया है। तो पहले हम लिविंग एरिया इसका विजिट करेंगे। ये मेन डोर है, यहाँ से हम इंटर होंगे। एंट्रेंस के साथ लेफ्ट साइड पे ये आपका स्टोर रूम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कवर्ड दी गई है। इसके साथ आपका किचन एरिया आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर की तरह इसे जो है डिजाइन किया गया बिल्कुल सेम टू, और ये आपका ग्रैंड हॉल डिजाइन किया गया ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सामने। यहाँ पे भी आपको मोल्डिंग वर्क मिलता है, टेक्सचर पेंट है, ये मीडिया वॉल है, नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल है, और सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरह दो बेडरूम यहाँ पे बैक पे डिजाइन किए गए हैं। तो पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये इसमें विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज की गई है, और अगेन इस रूम में टेक्सचर पेंट है, वार्डरोब यहाँ पे बेडरूम के अंदर ही डिजाइन की गई है। इसके साथ ये आपका वॉशरूम एरिया आ जाता है, और ये आप देख सकते हैं अगेन फुली टाइल कवर्ड है ये, और ब्रास टिप्स यहाँ पे ये यूज की गई हैं। कमोड एरिया आपका बिल्कुल सामने वैनिटी, और ये आप देख सकते हैं मिरर ये इंस्टॉल है। शावर स्पेस ये इसमें विंडो है जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। और घर में जो डोर यूज किए गए हैं तमाम डोर सॉलिड वुड में यूज किए गए हैं। तो ये इसमें फर्स्ट बेडरूम था, इसके साथ के सेकेंड बेडरूम की स्पेस दी गई है। यहाँ पे ये विंडो दी गई है जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी वेंटिलेशन के लिए, और अगेन इस बेडरूम में भी कोई वॉलपेपर यूज नहीं किया गया, टेक्सचर पेंट है यहाँ पे। ये बिल्कुल सामने आपकी वार्डरोब आ जाती है, और ये आपका आ जाता है वॉशरूम एरिया। ये वैनिटी बिल्कुल सामने, ये मिरर विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, शावर स्पेस, कमोड, अगेन ये वॉशरूम भी फुली यहाँ पे टाइल वर्क है, वॉल पे टाइल यूज की गई है। तो ये इसमें दो बेडरूम थे, बैक साइड पे ये लिविंग एरिया, किचन स्पेस, इसके साथ ये स्टोर रूम दिया गया। अभी हम फ्रंट साइड विजिट करेंगे। ये थर्ड बेडरूम आपका आ जाता है फ्रंट साइड पे। यहाँ पे बिल्कुल सामने ये बेड साइड वॉल है, ग्लोब या इंस्टॉल है, और ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वाइडर विंडो है, इसके साथ बालकनी दी गई है। यहाँ से आप इसके फ्रंट रोड का व्यू देख सकते हैं। पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और कमर्शियल मार्केट यहाँ पे बिल्कुल सामने है। इसके साथ सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल और डिसेंट इस घर के लुक है। ज़्यादा इसमें कोई कलर नहीं भरे गए या इसमें मजीद एक्स्ट्रा वर्क नहीं हुआ। और ये इसमें वार्डरोब आप देख सकते हैं, इसके साथ आपका ये वॉशरूम एरिया आ जाता है। बिल्कुल सामने ये वैनिटी है, मिरर है, लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, टाइल वर्क है, शावर स्पेस, कमोड, और ये आपकी विंडो ओपन हो रही है इसके टेरेस की तरफ, क्योंकि अभी हम फ्रंट साइड पे मौजूद हैं एलिवेशन वाली साइड पे। तो इसके साथ ये आपका टेरेस आ जाता है फ्रंट साइड पे, और ये हम आगे हो गए इसके टेरेस में, और यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। इसमें जो पार्किंग स्पेस है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बिल्कुल सामने कमर्शियल मार्केट है, और मेन रोड की एक्सेस यहाँ से बिल्कुल करीब है। इसके अलावा जो मस्जिद है उसकी लोकेशन बिल्कुल करीब है यहाँ से। और ये इसमें आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे भी आपको फुली टाइल वर्क मिलता है। ऊपर टॉप पे इसकी ममटी का व्यू है। ममटी में आपको एक रूम स्पेस दी गई है सर्वेंट के लिए, वॉशरूम अलहदा से है, और जो एक्सेस है छत की तरफ वो अलहदा डोर दिया गया। इस तरह सेपरेट जो है ऊपर सर्वेंट की रहाइश का कंप्लीट बंदोबस्त किया गया है। इस घर की जो डिमांड है 450 इसकी डिमांड है, और ये भी निगोशिएबल है। आइडियल लोकेशन, LDA अप्रूव्ड ब्लॉक है। और मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या दोस्त घर बाय करना चाह रहे हैं 10 मरला, 5 मरला, या जिनका बजट कम है, तो वो भी हमसे राबता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।